हेलो एंड वेलकम टू इंडिया टीवी शोबिज। नजर डालते हैं आज की टॉप 10 एंटरटेनमेंट न्यूज पर। 300 करोड़ के पास पहुंची फिल्म गदर 2, ताबड़तोड़ हो रही फिल्म की कमाई। एपी ढिल्लन और र्यूमर जीएफ बनिता संधु अपने डॉक्यूमेंट्री प्रीमियर के लिए पहुंचे एक साथ। प्रियंका चोपड़ा ने रेस्टोरेंट सोना से किया किनारा, 2 साल बाद तोड़ी पार्टनरशिप। शाहरुख खान को रणवीर सिंह से रिप्लेस करने पर फरहान अख्तर ने तोड़ी चुप्पी। जब अमिताभ बच्चन के बाद शाहरुख खान का नाम डॉन के लिए अनाउंस किया गया था, तब भी ऐसा ही रिएक्शन सामने आया था। सब कह रहे थे कि ऐसे मिस्टर बच्चन को तुम कैसे रिप्लेस कर सकते हो। बिग बॉस ओटीटी 2 के विनर एल्विश यादव पर आलिया भट्ट ने लुटाया प्यार, लिखा सिस्टम, एल्विश ने रिप्लाई किया लव यू। अल्लाह देवबंदिया की शूटिंग के दौरान अली गोनी हुए घायल, पोस्ट शेयर कर दी जानकारी। दीपिका ऋतिक की फिल्म फाइटर का मोशन पोस्टर देखने के बाद एसआरके ने दिया रिएक्शन, बोले थ्रीसम बहुत बढ़िया लग रहा है। लाइव कॉन्सर्ट के दौरान स्टेज से गिरे निक जोनस, नाराज फैंस ने सेफ्टी पर उठाए सवाल। म्यूजिकल कॉन्सर्ट में दिखी विजय देवरकोंडा और समांथा की शानदार केमिस्ट्री, एक्टर ने शेयर की तस्वीर। सैफ अली खान ने चारों बच्चों के संग सादगी से मनाया बर्थडे, सारा अली खान ने शेयर की इनसाइड फोटोज। ऐसे ही तमाम एंटरटेनमेंट जगत से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया टीवी शोबिज।